ये प्राणायाम है शीतकारी प्राणायाम। तो कल हमने शीतली प्राणायाम किया था, जिसमें हमने टंग रोल करके जो हमारी जो प्रैक्टिस हुई थी, इसमें भी हमारा जो माउथ है वो यूज़ होगा, लेकिन इसमें हमारी टंग यूज़ नहीं होगी। इसमें हमें क्या करना है कि जब हमें सांस लेनी है तो हम अपने जो दांत हैं, जो अपने, हम उसे बंद करेंगे लाइक दिस, और हमारे लिप्स खुल जाएंगे और हमारे दांत ऐसे रहेंगे, और हमको जब सांस लेनी है तब हम थ्रू आर माउथ सांस लेंगे, थ्रू आर टीथ सांस लेंगे लाइक, और जो हमारी जो साउंड होगी वो एक हिसिंग साउंड, जैसे अभी मैं आपको करके बताती हूँ। तो सांस हमको लेनी है थ्रू आर टीथ, और जब सांस हमें छोड़नी है तो हम अपने लिप्स बंद कर लेने हैं और सांस थ्रू आर नॉस्ट्रल्स बाहर आएगी। तो जब हमको सांस लेनी है तो हम अपने टीथ बंद करेंगे, ब्लॉक करेंगे और हमारे लिप्स खुलेंगे, और हमें कोशिश करनी है धीरे 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 हम सांस को अंदर लें। तो आप पहले मुझे देख लो कि इसे कैसे करना है, फिर आप आहिस्ते आहिस्ते इसे मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो लाइक दिस, तो आप समझे इसे कैसे करना है। देखो, जो प्राणायाम में कुछ प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो आपको थोड़ी फनी लग सकती हैं, आपको करते हुए उसे थोड़ा सा शाइनेस फील हो सकता है, लेकिन हमें शाय नहीं रहना है। हमें जैसे करना है, जैसे हमें टीथ बंद करने और अपने लिप्स खोलने हैं, तो हमें पूरे अच्छे तरीके से वो करना है। जब टंग रोल करनी है, जैसे पिछले प्राणायाम में हमने पिछली क्लास में किया, तो जब वो करनी है तो हमें बिना ये चीज़ देखे कि हमें कोई नोटिस कर रहा है या अच्छा नहीं लगेगा या फनी लगेगा, तो हमको उस चीज़ का ध्यान नहीं रखना है, ठीक है? हमें वो प्रैक्टिस जैसे कही गई है वैसे हमें करनी है, और जब हम वो करेंगे तो उसके डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, ठीक है? तो शीतकारी प्राणायाम जो है वो एग्जैक्टली जो इसके बेनिफिट्स हैं वो सेम एज शीतली प्राणायाम है। वो हमें कूलनेस, एक कामनेस प्रोवाइड करता है, हमारी मेंटली जो हमारी जो स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखने में हमारी हेल्प करता है, माइंड हमारा शांत रखता है। अगर आपको हीट जो है, आपको हीट वेव्स जो रहती हैं मेडिकल कंडीशंस की वजह से, कईयों को जो है हॉट फ्लैशेस रहते हैं बॉडी में कई बार दिन में, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको ब्लड प्रेशर आपका काफ़ी हाई रहता है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो इसमें भी जो शीतलकारी प्राणायाम जो है, सेम एज शीतली प्राणायाम, आपको हेल्प करने में आपको हेल्प करेगा। तो शीतकारी प्राणायाम अब हम करेंगे, तो बिना किसी शाइनेस के हम इसे करेंगे, टीथ लाइक दिस, इनहेल थ्रू इट, लिप्स क्लोज, देन विल एक्सहेल थ्रू आर नॉस्ट्रल्स, ठीक है? एंड डू इट वेरी स्लोली, क्योंकि जो हिसिंग साउंड है और जो सांस लेने की जो प्रैक्टिस है, जब आप करोगे तो वो जब जितनी धीरे धीरे आएगी आपको, उतना जो कूलिंग इफेक्ट है वो आपको इंस्टेंटली फील होगा। जल्दी जल्दी नहीं करना है, ठीक है?
आप समझे इसे कैसे करना है, तो हमारे हाथ जो हैं वो प्राण मुद्रा में रह सकते हैं, चाहे तो किसी भी मुद्रा में आप कर सकते हो। ये है मुष्टि मुद्रा जो मैंने आपको कल बताई थी, तो मैं इसके साथ प्रेफर करूंगी। Amazing. Get relaxed.